वे संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं चाणक्य नीति के बारे में, कि किसी को अपने इशारे पर नचाने के खास नुस्खों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे बहुत से रहस्यमय और रोमांचक वीडियो दिखाते रहेंगे। दोस्तों, कई बार हम किसी को देखकर बहुत आकर्षित हो जाते हैं, या यूं कहें कि एक चुंबक की तरह उनसे लगाव सा बन जाता है और मोहजाल में फंसकर व्यक्ति सम्मोहित होता चला जाता है। कुछ लोगों में तो यह शक्ति ऊपर वाले की देन होती है, और वहीं कुछ लोग देखने में तो साधारण होते हैं लेकिन अपने मीठे बोल से किसी पर भी अपना प्रभाव बना लेते हैं। इन सबके बीच तंत्र मंत्र के कुछ उपाय भी हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद में अनोखी आकर्षक शक्तियां पैदा कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप जिसे चाहें अपनी उंगली के इशारे पर नचा भी सकते हैं। दोस्तों, आज वे संसार में हम आपको उसी नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं काली हल्दी के टीके के बारे में। अगर आप कोई नया काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं तो जरूर से काली हल्दी का टीका लगा लें। जान लें कि यह अनोखा टीका आपकी सफलता में मददगार साबित होगा। वहीं जो जातक तिलक के ऊपर चावल लगाता है, लक्ष्मी उस जातक के आकर्षण में बंद जाती है और सदा उसके अंग संग ही रहती है। दोस्तों, इसके बाद है नाभि में इत्र या परफ्यूम लगाना। आपको यह जानकर शायद आश्चर्य होगा, लेकिन यह सत्य है कि नाभि में इत्र, परफ्यूम या फिर सुगंध लगाकर सामने वाले को आप अपने आकर्षण में आसानी से बांध सकते हैं। उसके बाद है जेब में मोर पंख रखना। यही नहीं, आप साफ सुथरे रेशमी कपड़े में मोर पंख को बांध लें और फिर उसे जेब में रख लें। ऐसा करने से लोग आपकी तरफ आकर्षित अवश्य होंगे। दोस्तों, इसके बाद है बांस का पौधा। घर में बांस का पौधा याद से रखें, क्योंकि यह ऊर्जा का संयंत्र माना जाता है, जिससे आपके जीवन में आकर्षण बनी रहती है। ध्यान रखें कि बागान में जितने अधिक डंठल का पौधा होगा, जातक को उतनी अच्छी किस्मत और भाग्य का आशीर्वाद मिलेगा। बता दें कि आप अपने घर में सद्भाव को प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली बांस का उपयोग कर सकते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है, साथ ही घर में खुशियां व शांति भी बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपसे आकर्षित हो जाएं, तो वेद संसार के इस वीडियो को जरूर देखें और चाणक्य के तहत बताए गए खास उपायों को अपनी जिंदगी में अपनाकर शुरू करें। ऐसा करने से लोग तो आकर्षित होंगे ही, साथ ही सफलता भी आपके कदम चूमेगी। तो देरी क्यों करनी, आज से ही लोगों का खिंचाव अपनी ओर करना शुरू कर दें। तो उम्मीद करते हैं कि आप बताए गए तरीकों को अपनाएंगे और लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। हमारी पूरी वेद संसार की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपना विचार फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।